तो व्यूअर्स, फाइनली अभी लंच ब्रेक हमारी हो गई है और हमने रेस्टोरेंट में जा रहे हैं खाना खाने के लिए, लंच करने के लिए, नाश्ता और लंच इकट्ठे ही। सुबह का हमने कुछ भी नहीं खाया हुआ, अभी सबको ही बहुत ज़्यादा भूख लगी है। भूख से बुरा हाल है, बहुत खाना। नुमान भाई आप क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगा, मुझे भूख लगी है बहुत सख्त किस्म की। अच्छा। यार बहुत यार मेरी जान निकली जा रही है यार। राबिया मेरी जान निकली। ओ यार आप बताओ जी आप क्या कहते हो? बहुत 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 मजा आया। भूख का एहसास, भूख का एहसास बहुत मजे का होता है। हाँ, और वही एक सस्पेंस था कि खाना आएगा और टूट पड़ेंगे, लेकिन पता अब आएगा तो उतना भी खाएगा नहीं। लग रहा था एक दफा आने दे फिर बताएंगे खाया जाता है। इनकी जान देख के लग रहा है मुझे, कर लो कौन खाएगा कौन नहीं। चिकन हो चिकन ना हो तो बेटा ये खाली रोटी दिखाने के लिए लाए। ये रिसेप्शन है, रिसेप्शन पे इनसे गाना नहीं मिला था। इनके भरेंगे भाई, इनके घर में इतना पैसे इंटरव्यू भेजे पैंट कोट भाई। ये अच्छा था, सही बोला भाई। यार देख के मेरी नीयत खराब हो गई भाई, मैं कबाबों का इंतजार कर रहा था, उसने कबाब ही दिल्ली में पक्का चावल कोई इसने कोई दिल्ली खुश किया मेरा भाई। लंच भी इसलिए हमें आधी मुर्गी डाल दी। व्यूअर्स फाइनली अभी खाना आ गया है और अभी हम खाना खाने लगे हैं और बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है जैसे कि आपको बताया था। बस अभी खाना खाते हैं और उसके बाद आगे जो बाकी सफर है वो तय करते हैं। आगे निकलेंगे इसके बाद कटास राज और फिर वहां पे आपसे मुलाकात होती है, मिलते हैं फिर खाने। सो व्यूअर्स फाइनली हम खाना खा के पहुंच गए कटास राज। सो बहुत ही प्यारी जगह है, अभी हम अंदर एंटर हो रहे हैं, गाड़ी से निकले हैं, अभी हम अंदर जा रही है हमारी लंबी अनारकली। ये लंबी अनारकली जा रही है, अनारकली इधर आए यार। अनारकली कम सर, कैसा गुजरा आज आपका डे? मैं कहता हूँ आज तो पहुंचा सा एंटर हो रहे हैं। मास्क के जो मास्क के बगैर नहीं घुसने दे रहे, तो आप होल्ड करेंगे, मैं मास्क पहन लूं। मैंने पहन लिया है, मैं इसलिए अंदर जा रहा हूँ। ये व्यूअर्स हम पहुंच गए हैं अमृत कुंड, एक मुकद्दस चश्मा, ये मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा आगे जाके करीब से दिखाता हूँ आपको। ये जो हमारी माइनॉरिटीज हैं हमारे मुल्क में हिंदू, ये उनके लिए बहुत मुकद्दस जगह है, यहाँ पे उनके मंदिर हैं। वो यहाँ पे इंडिया से भी आते हैं और पाकिस्तान भर से भी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे वो अपनी इबादत करते हैं। ये उनके लिए एक मुकद्दस चश्मा है। आगे मंदिर हैं वहाँ पे भी अभी हम जाएंगे और वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं व्यू। व्यूअर्स अभी हम दिखाते हैं आपको हवन कुंड, जो इनकी 12 दरी यहाँ पे है। अभी यहाँ पे अंदर जाते हैं, यहाँ पे बस एक दरमियान में खाली रूम है जिसको चारों तरफ से दरवाजे लगे हुए हैं, चारों तरफ जिसका रास्ता है, और इस साइड पे कुछ बाकी का रास्ता है। यहाँ पे देखते हैं क्या है। यहाँ पे एक रूम है जिसको ताला लगा हुआ है और ऊपर एक सीढ़ियाँ जा रही हैं, ऊपर जाते हैं
और देखते हैं। इस सामने जो बिल्कुल रूम है इसको भी ताला लगा हुआ है और ये एक विंडो है जो खुली हुई है, इसके अंदर हम झांकते हैं। यहाँ पे कुछ सामान पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक बस तस्वीर पड़ी हुई है और कुछ फूल पड़े हुए हैं जो आप देख सकते हैं व्यूअर्स, और कुछ ये बाकी सामान है। इसके बिल्कुल सामने एक रूम है, यहाँ पे देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये खाली है और यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ हैं ऊपर जा रही हैं। ये यहाँ का व्यू है ऊपर से, आप देख सकते हैं व्यूवर्स। इसके बाद वहां पे जाएंगे वो सामने, उस जगह पे अभी जाते हैं। यहाँ पे ये एक रूम है ऊपर आके, ये रूम मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। अभी वापस नीचे जाते हैं और वो सामने वहाँ जो वो मंदिर है उस मंदिर में जाते हैं और वहाँ से आपको व्यू दिखाते हैं। तो व्यूवर्स भी मैं वहाँ पे था जहाँ से मैंने आपको सामने का व्यू दिखाया और अभी नीचे आ गए हैं और अभी हम सामने यहाँ पे जाते हैं अंदर, देखते हैं यहाँ से अंदर क्या है और यहाँ का क्या कैसा व्यू है। तो आए चलते हैं। पहले यहाँ जाते हैं, एक एक कर लिया, यहाँ पे देखते हैं। हाँ भी क्या हाल है, ठीक हो? हमें यहाँ पे एक शकील भी मिले हैं जो कि हमें सब चीजों के बारे में बता रहे हैं, इनकी हिस्ट्री तो आए से जानते हैं। सीता को जब रावण उठा के ले गया हनुमान ने, राम की हेल्प की सीता को वापस लाने में, ये मंतों वाली हवेली कहलाती है और इसके अंदर टेंपल है जिसका नाम है हनुमान। हनुमान दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, पहले से मैं रियल पिक्चर है और दूसरे में रेनोवेटेड। इसके पहले ऐसे में रियल का शादी है, ये हनुमान की तस्वीर है, सामने हनुमान की तस्वीर है, ये गणेश की तस्वीर है, ये पार्वती की तस्वीर है, ये दरमियान में नाव की तस्वीर है, ये दुर्गा की तस्वीर है। ये यहाँ पे एक स्टोरी है, हाथी पानी पीने जाता है मगरमच्छ इसका पांव पकड़ता है, ऊपर से विष्णु और दूसरे भगवान इसकी मदद को दौड़ते हैं। These are part of the book just like Ramayan. ये रामायण के हिस्से हैं। और ये रेनोवेटेड है, यहाँ पे मेन स्टैचू था जहाँ पार्टीशन हुई वो चीजें ले गए, ये भी स्टैचू की जगह है, ये भी स्टैचू की। आप दरवाजे किसी से हटे बेटा अंदर रोशनी आएगी। और ये दोबारा 2006 में रेनोवेट हुई है, इनको रेनोवेट किया गया। आए अगला टेम्पल आपको रामाचंद्र दिखा रहा है, वेलकम। बंदा खड़ा है उसके डोम के गेंद आप और से देखे तो सारे कोबरा के फेसेस बने और इसके गेंद हनुमान के फेसेस बने। पूरे कटास में फने तामीर के हिसाब से सबसे खूबसूरत टेंपल है, इसका नाम है रामाचंद्रा। ऑन फ्रंट वॉल यू कैन सी फाइन वर्क ऑफ सैंडस्टोन, फ्रेम ऑफ द डोर इज फुली स्टोन, टू आउटसाइड विंडो विच कॉल जरोका। इसके पहले से मैं 7 कमरे, फिर 7 हॉल और टॉप पे मंदिर है जिसके गेट कोबरे बने। ये इसका फ्रेम पूरा पत्थर का है।
तो अभी एक महारानी उसके हाथ में पता है, दूसरे हाथ में टहनी है, मलका बैठी है, खादमों को की सेवा दे रही है। इसके अंदर सात आल है और ये जरोका है, यहाँ से शहजादियां वगैरह बाहर कर जाती थी, देखी थी। अब आपको इधर आए बड़ा हाल देखना है। ये बड़ा हाल है, इसके अंदर क्रॉस वेंटिलेशन है, उन दूसरे हाल से बड़ा है। इसके अंदर इको है, प्यार आना से उठ हमारे टूट जाओगे, चंद कितना गुजारी रात में सारी रात होनी है, कोई एनी सॉन्ग कोई सिलेक्ट करना सुन, इको चेक करा, चंद कितना सुन, वे किथे मज वसे शला वसदार में ते मेडे अमन सकून में जाके चार दिहाड़े लाके ए क्या कीते मैं क्या जाना कनु खुश है एहद भुला के ओ कर बेवस नाल क्यों कूड़ गयो ते चना झूठियां कसमा खाके कोई बदली छा गई है ते छेती आवत नाते तेरी याद सता गई है चन किथा गुजारिया रात वे मेडा जी दलीला देवात वे ओ चन किथा गुजारिया ये इसके ऊपर टोम पे सारे कोबरा के फेस और वो चोटी पे सबसे बड़ा मंदिर उसको कहते हैं सतगड़ा। सतगड़ा मीन कॉम्प्लेक्स ऑफ सेवन टेंपल, देयर वाज सेवन टेंपल ड्यू टू सेवन टेंपल वी सेड सतगड़ा। और ये डिफेंस होल है, दे थ्रो एसिड बॉइलिंग वाटर एटसेट्रा, ये डिफेंस होल। अच्छा आ जाओ पानी छोड़ दो, हाँ उबला हुआ पानी तेजाब और इसमें एरोज पूरा डिफेंस बनो। शहूर से खरी सिंह नलवा जो सिख जनरल था रंजीत सिंह दौर का, उसकी बनाई हुई हवेली है, ये किला नुमा हवेली है। इसके चारों साइडों पे बुर्ज बने हुए हैं, दो इस साइड पे दो उस साइड पे। इसके दो हिस्से हैं, एक दीवान खाना और एक जनान खाना। ये कहलाती है हरी सिंह नलवा की हवेली। समंदर खुश हुआ, पहाड़ बने, पहाड़ों से ये पत्थर काटे गए। अब आपको दिखाते हैं वॉच टावर। ये वॉच टावर, ये डिफेंस के लिए वॉच टावर बना हुआ, तीर अंदाजों के लिए, गन फाइटर्स के लिए ये वॉच टावर। ये है वॉच टावर, ये चारों साइडों पे इस तरह की बुर्ज बनी हुई, इनको वॉच टावर कहते हैं। ये तीर अंदाजों के लिए, गन फाइटर्स के लिए वॉच टावर। तो व्यूवर्स, शकील भाई से हमने कुछ जाना, जो इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री जो उन्होंने आपके साथ अभी शेयर की, हमारे साथ शेयर की इस वीडियो में आपने देखी। तो अभी दरअसल जो यहाँ का टाइम है क्लोजिंग का वो हो गया है और वह बंद करने लगे हैं, तो शकील भाई के पास अब मज़ीद टाइम नहीं था कि हमें बाकी जगहों का विज़िट करवाएं और उनकी हिस्ट्री बताएं। तो अब हम आगे जो जगह रह गई हैं वहाँ पर खुद जाते हैं और वहाँ पर आपको दिखाते हैं। अभी हमने वहाँ पर ऊपर जाना है, तो यहाँ से जाते हैं ऊपर और देखते हैं ऊपर।
तो व्यूअर्स से ये हम ऊपर फाइनली पहुंच गए। तो यहाँ पे देखते हैं अंदर। जो ये जगह है यहाँ पे तो व्यूअर्स ताला लगा हुआ है, यहाँ पे तो अंदर नहीं जा सकते, तो यहाँ पे तो ताला है। तो हम साथ वहाँ पे एक और यहाँ पे रूम है, यहाँ पे देखते हैं। मैं आपको पहले बाहर से दिखा दूँ। यहाँ पे अब नीचे जाते हैं, यहाँ पे ये देखते हैं जी ये खुला है या बंद है और इसके अंदर क्या है। ये व्यूअर्स खाली एक रूम है, तो ये है यहाँ से नीचे का व्यू जो कि आप देख रहे हैं अभी व्यूअर्स। तो व्यूअर्स ये था आज का टूर जो कि आपने देखा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा, बहुत ज्यादा दिलचस्प लगा होगा आपको। तो हमने भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया आज और हम अभी काफी ज्यादा थक गए हैं, बस अब वापस निकलने लगे हैं घर की तरफ। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा के बहुत से आज यहाँ पे चेहरे हैं जिनको हम मैं स्पेशली सुबह तक तो नहीं जानता था, लेकिन अब उनके साथ हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा, सब बहुत अच्छे दोस्त बन गए, बहुत ज़्यादा हमने एक हंसी मजाक और शुगल में आज दिन गुजारा, बहुत कुछ नया जाना सीखा और देखा भी। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको अगेन के वीडियो पसंद आई होगी। तो तमाम देखने सुनने वाले दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है ताकि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो हुस्न वालों। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। सितमगढ़ हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दगाबाज हो तुम सितम दाने वाले, परे बे मोहब्बत में उलझाने वाले। ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक। हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो हुस्न वालों। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो हुस्न वालों।